दोस्तों कल बहुत बड़ी घटना सामने आई है। बहुत बड़ा दुखद खबर सामने आया है कि जो जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारत के जो बस थी, भारत के जो इंडियन आर्मी के बस है, उस पर टेरर अटैक हुआ है और इसमें जो है भारत के 5 जवान जो राजस्थान राइफल थी, जो राष्ट्रीय राइफल है, वो शहीद हो गए हैं। यानी भारत के 5 जवान जो है शहीद हुए हैं, यह घटना देखने को मिला है। तो ये जो पूंछ वाला जो जम्मू कश्मीर का पूंछ वाला हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर का जो पूंछ वाला हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में ये घटना देखने को मिला है। यानी पूंछ में ये घटना देखने को मिला है, जो कि जो पीओके है, यानी ये पीओके है, पीओके का ये आज़ाद कश्मीर है और ये जो है एलओसी से इसकी सीमा लगती है। और पूंछ वाला जो है ये डिस्ट्रिक्ट में ये घटना देखने को मिला है। और जब ये घटना होने के बाद से जो पूंछ और राजौरी के जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसे जो है सीज कर दिया गया है, उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इसमें भारत के जो है 5 राजस्थान जो राष्ट्रीय राइफल है, सॉरी राजस्थान राइफल नहीं बल्कि राष्ट्रीय राइफल है, उसमें जो है भारत के 5 राष्ट्रीय राइफल जो है शहीद हुए हैं। और ये जो जो घटना देखने को मिली है, ये जो है पुलवामा के बाद से जो है सबसे बड़ा घटना देखने को मिला है। यानी पुलवामा जो हुआ था, पुलवामा उसके बाद से जो है ये सबसे बड़ा घटना देखा जा रहा है, यानी पुलवामा के बाद से। लेकिन जो पुलवामा अटैक हुआ था वो जो है कॉन्वॉय के ऊपर हुआ था। यानी कॉन्वॉय उसे कहते हैं जब जो आर्मी को शिफ्ट किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये जो घटना देखने को मिली है, जो ये घटना हुआ है, वो एक रेकी टीम के ऊपर हुआ था। यानी रेकी टीम थी, यानी जो कहीं जाती है रेकी टीम वाले की, कहीं अगर कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो उसकी जांच करती है कि कहीं वहाँ पर बम वगैरह तो नहीं लगाया गया है, कहीं अशांति फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो वही रेकी टीम रेकी करके आ रही थी। रेकी करके जब आ रही थी तो उस समय मौसम भी ख़राब था, यानी मौसम भी जो काफ़ी बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ख़राब था और जंगल वाला इलाका था, पहाड़ी इलाका था। इसी का फ़ायदा उठा लिया टेरर ने और टेरर ने अटैक कर दिया। और पहले कहा जाता था कि पहले ग्रेनेड मारा गया, उसके बाद से जो है बंदूक से शट डाउन किया गया, जिसके कारण से जो है आग लग गई और पूरा जो है बस जो है जल के राख हो गया। और इसमें भारत के जो 5 राष्ट्रीय राइफल है वो शहीद हो गए, और भारत के 5 जो राष्ट्रीय राइफल है इसमें शहीद हो गए। और कहा जा रहा है कि जो शुरुआती में तो कहा गया था कि ये लाइटिंग की वजह से हुआ है, यानी शुरुआती में कहा गया था कि ये लाइटिंग की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लाइटिंग की वजह से नहीं हुआ है बल्कि इस पर टेरर अटैक किया गया है। टेरर अटैक जो जिसने अटैक किया उसको खोजने की कोशिश की जा रही है, आगे देखना होगा कि क्या होता है। क्योंकि ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है और टेरर को छुपने का मौका मिल जाता है और छुप जाते हैं। और जब से जो है भारत में 370 हटा है, यानी जब से भारत में 370 हटा है, यानी जब से 370 हटा है, 5 अगस्त 2019 को जब से ये 370 हटा है, तब से लगभग भारत के जो है 32 जवान शहीद हुए हैं। तब से लेकर आज तक भारत में 32 जवान शहीद हुए हैं। और जो है इसके लिए जिम्मेवार जो बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है जो जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप इसको जिम्मेवार बताया जा रहा है कि इसी के द्वारा जो है घटना देखने को मिली है, जिनका एक संगठन है जिसका नाम है PAFF, इसके द्वारा जो है यह घटना देखने को मिली है। यानी पॉपुलर जो है अटैक फर्स्ट एंड फ्रंट इसका नाम है, इसके द्वारा जो यह घटना देखने को मिली है और जो है इसी के द्वारा जो है ये टेरर अटैक किया गया है और जो है अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पुलवामा है, यानी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद से जो उस समय लोकसभा इलेक्शन था 2019 में, उसके बाद से जो भारत के द्वारा जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया गया था, पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद से जो हम लोगों ने पाकिस्तान के लगभग 400 से अधिक जो है सैनिकों को मार गिराया था इस बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से। और ये जो है भारत के इसमें जो जिम्मेवार बताया जा रहा है, तो जैसे मोहम्मद टेरर ग्रुप का जो जिम्मेवार बताया जा रहा है। और एक और चीज़ है कि उसके बाद से जो है भारत के जो आर्मी चीफ है, जिनका नाम है मनोज पांडे ने इस बारे में जो भारत के आर्मी चीफ हैं, यानी जो है भारत के आर्मी चीफ हैं, इन्होंने राजनाथ सिंह को जो है इसके बारे में बताया, क्योंकि ये पुलवामा के बाद से दूसरा सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। उसके बाद से जो है भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि और जो एक तरफ ये भी देखना होगा कि भारत में जो है अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत में जो है मई में भारत इसी अगले महीने मई में जो है
G20 की मीटिंग होनी है, यानी भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है, और इसमें भी अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के द्वारा जो है अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है G20 की, क्योंकि भारत में मई 2023 में भारत में G20 की मीटिंग होनी है, जो कन्फर्मेशन हो गया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, जिनका नाम है बिलावल भुट्टो, कल ही कन्फर्मेशन हुआ कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उसके जस्ट बाद ये घटना देखने को मिली है, यानी जस्ट बाद जो घटना देखने को मिली है, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो 23 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो, देखना होगा कि आगे क्या होता है। ये बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए, ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो ये घटना देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए दुखद घटना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।